हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान चैप्टर, भौतिक विज्ञान के विषय को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बल तथा गति के नियम के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और प्रारंभ चला ही रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। उसी का आगे है संवेग के बारे में मैंने बता दिया है, फार्मूला भी है बराबर एमए प्रूव कर दिया था। अब आगे है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है आप ये जानो, बेसिक भाषा में आप समझो तो संवेग जो संरक्षण होता है, संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित, सेफ रखना, किसी चीज पे वो बहुत ही तो सुरक्षित रखी गई है, उस पर कोई भी फिजिकल वर्क नहीं किया गया है, कोई पे कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं हो रही हैं, वो संरक्षण संवेग में है और वो सुरक्षित है। इसके लेकर नियम क्या थे मैंने संवेग बताया भी था, आइए देखते हैं परिभाषा क्या है, कैसे कहें मैं बता रहा हूँ। यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हो, मान लो कोई दो वस्तु है और दोनों वस्तु एक दूसरे बल लगा रही है, ये इसको इधर बल लगा रही है, ये इसको इधर बल लगा रही है। तो मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, क्लियर है। फिर क्या है, पारस्परिक क्रिया कर रहा है, यानी कि एक दूसरे पे वो वर्क कर रहा है, एक दूसरे को कार्य कर रहा है पारस्परिक रूप से, दोनों तरफ बैलेंसिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों पारस्परिक काम कर रहे हैं। तो पारस्परिक क्रिया के पहले बल लगाने के पहले तथा पारस्परिक क्रिया के बाद, पहले भी और बाद, पहले क्या था बाद में क्या था, कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, इसे संवेग का नियम कहते हैं। अब ये था इनका डिफिनेशन। हम बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, हम ये कह रहे बच्चों कि मान लो कोई दो वस्तु है उस पर कोई बल लगाया जा रहा है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ये चौक। अब ये चौक पे मान लो कि कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के पहले बोल रहा है ना, और क्या पहले कार करने के पहले, मान लो ये कोई चौक है ये ऐसे था, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगा ली, अभी ये फोर्स लगाने के पहले की बात हो रही है। अब जैसे मैं फोर्स लगाया बाहर से, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगाने के बाद क्रिया करने के बाद देखो यहाँ लिखा है बाद, पहले था बाद, तो इन पे फोर्स लगाने के पहले फोर्स लगाने के बाद कुल संवेग क्या होता है, सुरक्षित का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सारे कण हैं उस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं, इसके अंदर जो कण हैं वो एक दूसरे से सुरक्षित हैं, वो संरक्षित हैं। कब, जब इस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अब ये चाक है इस पे कोई स्नैप फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स क्या है, संरक्षित है। यही क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम तो ये है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके इसका एक फार्मूला प्रूव कराने जा रहा हूँ बच्चों, वो फार्मूला अभी मैं बताने वाला हूँ, आई होप सो आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया संवेग संरक्षण का नियम, और संवेग संरक्षण को लेते हुए हम एक फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। मान लो मैंने तुम्हें दो ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया मैंने, कोई दो ऑब्जेक्ट लिया है, अब वो दोनों ऑब्जेक्ट लेके हम फार्मूला प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, तो मैंने आप दो ऑब्जेक्ट लिया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ मान लेंगे ए, दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे पी, तो ये दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट इसका द्रव्यमान क्या मान लेंगे एम वन, इसका द्रव्यमान मान लेंगे एम टू, ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है, ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा यू वन, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा यू टू। आइए कब की घटना है, टकराने के पहले, टकराने के पहले, ये बच्चों टकराने के पहले है और ये टकराते समय, टकराते समय, टकराते समय क्या हो जाएगा, ऐसे टकराएगा ये ऐसे और ये ऐसे, ये ए है और ये बी है, जो माना जानते हो ये एम वन है ये एम टू है,
ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। जो फोर्स होगा इसे बोलेंगे एफ ए बी, क्योंकि ए से बी पर लग रहा है और ये फोर्स क्या होगा एफ बी ए, बी से ए लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स लगेंगे बेटा। ठीक, अब आते हैं टकराने के बाद, टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या होगा, लड़ने वाली गति करेंगे तो ऐसे गति करेगा, ये इधर है ये इधर है, ये इधर मोशन करेगा ये इधर, तो ये दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, इधर इधर रखे हुए हैं, फोर्स लगा, ये घूमते 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 क्या होंगे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, गति कितना लगेगा, ये ए है ये बी, अब इसका द्रव्यमान m1 और m2, ये रुका हुआ था तो मैंने u1 u2 माना, ये गति कर रहा है तो क्या मानेंगे v1 और v2, आपको पता है ये अंतिम वेग है, अब ये प्रारंभिक वेग है। आई होप फिगर समझ में आया होगा, ये टकराने के पहले की घटना है, ये टकराने के वक्त है, ये टकराने के बाद। ठीक, अब आपको मन को आगे ले चलते हैं, अब सॉल्व करेंगे, ठीक बड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो ए के लिए, और ए के लिए, ए के लिए संवेग संरक्षण, संवेग सॉरी संवेग संरक्षण परिवर्तन, संवेग संरक्षण परिवर्तन बेटा क्या आएगा, ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए द्रव्यमान संवेग क्या है, द्रव्यमान क्या है एम वन है और वेग क्या है ए के लिए, एक दो ए में एम वन यू वन, ए में एम वन वी वन, आप जानते हो संवेग क्या होता है एम वी होता है, क्या होता है एम वी, ए में क्या होगा एम वन वी वन, परिवर्तन बोला है, परिवर्तन क्या होता है माइनस, अब यहां क्या आएगा एम वन यू वन, आई होता तो समझ में आया होगा, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं बेटा कि हमेशा परिवर्तन में लास्ट वाले में से पहले बढ़ाते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये दोनों क्या है परिवर्तन होता है, परिवर्तन मतलब क्या होता है दोनों में अंतर, पहले रुका था फिर गति किया, गति में से रुकने मान कर देंगे, ये ए के लिए था, अब लिखेंगे बी के लिए, बी के लिए क्या होगा वही चीज, क्या होगा बी के लिए एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू, ये बच्चो एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, तो ये हमारा पोर्शन बना। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि मैंने आपको बोला भी है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है फोर्स के, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, इसे संवेग परिवर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं संवेग परिवर्तन, ये भी तो है संवेग परिवर्तन, यानी कि इसमें और इसमें हम डेल्टा टी से क्या कर दें भाग कर दें तो संवेग परिवर्तन आ जाएगा, इसमें भाग करो बेटा और इसमें भाग करो, चलो इसको वन लिख लो इसको टू लिख लो, वन और टू में एक वन दो में डेल्टा टी से भाग करो, यह भाग क्या आएगा एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन अपान क्या डेल्टा टी, एक दूसरे क्या होगा एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू अपान डेल्टा टी, ठीक बेटा ये आपका मैंने डेल्टा उसे भाग कर दिया, भाग करने के बाद ये एक्चुअली है क्या, ये फोर्स लग रहा है, अब देखो किसके बराबर होता है बल के, यानी कि ये हमारा एफ ए बी है और ये एफ बी ए है, तो यहाँ पे मैं लिखते चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहता, हमें यहाँ लिखना चाहिए बल, यहाँ लिखो आप लोग एफ ए बी, ठीक है ना, देखो एफ ए बी ए से बी इधर लग रहा है ना, ए से बी लग रहा है, अब यहाँ लिखो एफ बी ए, ठीक है ना, अब
हम जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम क्या होता है, FAB = FBA, ये न्यूटन तृतीय नियम है, दोनों बल क्या होते हैं बराबर, लेकिन चिन्ह क्या लगा है, माइनस का क्या होता है विपरीत दिशा, दिशा विपरीत है, दोनों बल क्या है बराबर है। अब बताओ FAB का मान है कितना, ये है इसका मान बड़ा आप लोग उसी जाकर रखो कितना आएगा, FAB का मान रखो क्या आएगा, M1B1 - M1U1/ΔT बराबर माइनस ये टोटल कितना आएगा M2B2 - M2U2/ΔT ΔT पड़ गया बेटा, तो बच्चा क्या यहाँ पे M1B1 - M1U1 = मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस M2B2 फाइनल माइनस प्लस M2U2। अब B के पास U ले जाओ, यहाँ क्या लिखा है M1B1, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होगा M2B2 बराबर, ये माइनस है इधर क्या होगा प्लस M1U1 + M2U2। ये हमारा क्या है बच्चों फार्मूला, ये संवेग संरक्षण के नियम के लिए क्या है फार्मूला है, इसे आप लोग घर पे रूटीन में प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि M1V1 + M2V2 = M1U1 + M2U2। जरूरी नहीं कि दो ऑब्जेक्ट हो, तीन चार ऑब्जेक्ट होंगे तो भी आगे ऐसे ही M1V1 M2V2 M3V3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।